लाल सलाम और जय भीम। अब आपने यहाँ पे प्रोफेसर रोमिला थापर और प्रोफेसर हरबंस मुखिया की बात सुनी, उनके साथ चर्चा की और देश भर में गए। शुक्रवार से जो आवाज़ गूंज रही है उसके बाद बोलना हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं कन्हैया की बात कर रही हूँ, फिर भी कुछ आप लोगों ने बुलाया और बात रखने को कही तो मैं कहूँगी। ये देश में जो 28 महीने की सरकार रही है अभी तक, जिस तरह छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने उनके सामने मुकाबला किया है, पेरियार अंबेडकर सर्कल से लेकर FTII स्टूडेंट्स, ऑक्यूपाई UGC और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कैपिटल JNU, मैं मानती हूँ कि जो तबका बिना डर से आज खड़ा है, ये देश का युवा, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। देयर इज सो मच मैच्योरिटी, देयर इज सो मच कंपोजर। एज सो मेनी ऑफ योर प्रोफेसर्स हैव टोल्ड यू दैट यू हैव नॉट बीन प्रोवोक्ड, एंड आई जस्ट से दैट JNU नॉट ओनली मस्ट बी सेव्ड बट JNU मस्ट बिकम अ बीकन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस। दोस्तों, बहुत ही एक अजीब और गरीब मोड पे खड़े हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। जो लोग दावे करते हैं हर दिन कि हमें ये 15 साल दीजिए, वो इसलिए ये 15 साल मांग रहे ताकि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। आज के अखबार में शायद 15 साल था, फिर 25 साल था, ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब। तो एक तो एक बहुत ही बेसिक पॉलिटिकल बात है कि चाहे कितना भी कठिन हो, हावेवर डिफिकल्ट इट इज, हावेवर प्रॉब्लमैटिक इट इज, हावेवर कॉम्प्लेक्स इट इज, हमें इस तरह के गठबंधन खड़े करने पड़ेंगे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे, जो ये तबके को वापस स्टेट पावर नहीं दे। यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट, इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज ऑल ऑफ अस आर प्योरिटन, वी वॉन्ट द परफेक्ट सॉल्यूशन, वी वॉन्ट द परफेक्ट पाथ, बट लाइफ डजंट गिव अस अ परफेक्ट पाथ। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो उसी तरह चल रहे हैं भारत में जिस तरह जमात इस्लामी के स्टूडेंट्स भी, जमीयत के तलबा चला था पाकिस्तान में, वैसे यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलता है। They are two sides of the same coin. And अगर हमारा भारत का संविधान कहता है, प्रीएम्बल कहता है कि वी द पीपल, इट मीन्स वी द पीपल विच मीन्स ऑल ऑफ अस इंडियन पीपल, इट डजंट मीन हिंदू अपर कास्ट ब्राह्मण्स, इट डजंट मीन ओनली संघीज, इट मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट बिलीफ्स। और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना हमें मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं तो यहीं पर नौजवान के बीच में मांग रखूंगी कि इफ़ यू वॉन्ट टू अबॉलिश कास्ट एंड एनिहिलेट कास्ट, देन वी मस्ट फर्स्ट प्रोपगेट, what should we propagate? Intercaste marriages, intercaste relationships. Will the Sangh Parivar be agreeable to that? इस बार बुक फेयर हुआ आपके शहर में, बड़ा प्रेस्टीजियस आपका ही बुक फेयर होता है दिल्ली में। Every year it is one of those pilgrimages that book lovers, intellectuals make, activists make. इस बार जो एक स्टॉल था सरकारी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कलेक्टिव वर्क्स हर साल बेचता है, इंटरेस्टिंग, इट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट पब्लिशेस दीज वर्क्स एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स अ कॉपीराइट फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू पब्लिश देम इन अ बेटर फॉर्मेट, इन अ मोर अट्रैक्टिव फॉर्मेट। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। तो इस बार हमारे करीबी दोस्त वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल की हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त कलेक्टिव वर्क्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर आर सेलिंग विदाउट 11 क्रिटिकल वॉल्यूम्स, मतलब 11 वॉल्यूम नहीं सरकारी सेट में बिके, उसमें कौन से वॉल्यूम थे? यू कैन टेक अ गैस। रिडल्स इन हिंदुइज्म, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, विमेन एंड रेवोल्यूशन, स्टेट एंड काउंटर रेवोल्यूशन, विमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, शूद्रज एंड काउंटर रेवोल्यूशन, दीज क्रिटिकल वर्क्स ऑफ बाबा साहेब इन्होंने अपने कलेक्टिव वर्क्स में नहीं बेचे।
तो जब वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाना चाहते हैं, वो उसी हिस्सा को अपनाना चाहते हैं जिससे वो अप्रोप्रिएशन कर सके वोट का, क्योंकि वोट का अप्रोप्रिएशन करना वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार की जनता ने दिखा दिया, वही बिहार से हमारे कन्हैया कुमार भी हैं बेगूसराय से, और बेगूसराय का एक खास इतिहास है ये देश में, वो भी पुरोगामी ताकतें जानती हैं। मगर बिहार में जनता ने जवाब तो दे दिया इलेक्टोरली, और जवाब देते देते उन्होंने कई चीजें कही, क्योंकि कम से कम 15-20 ऐसे अटेम्प्ट्स हुए बिहार में इलेक्शन से पहले कि वहां पे कौमी दंगा भड़की, डुक्कड़ का मांस मस्जिद में, गाय का मांस मंदिर में, वही कहानी जो हम शरद चंद्र से पढ़ते आ रहे हैं वही बार हम दोहराते जाते हैं। कुछ नई कहानी भी नहीं है, हिंदू गर्ल डांस ऑफ मुस्लिम बॉय डज दिस टू समथिंग, मतलब वही 4-5 नैरेटिव है जो बार बार, थोड़ा बहुत आतंकवाद का एक नया एक नैरेटिव बन गया है, दहशतवाद और आतंकवाद का, अदरवाइज द नैरेटिव रिमेन्स प्रीटी मच द सेम। द चैलेंज बिफोर अस इज नॉट टू लुक एट दिस ओनली एज अ पॉलिटिकल बैटल, बट टू ऑल्सो से सामाजिक स्तर पे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रूमर मॉन्गरिंग को किस तरह रोक पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल अलायंसेस हम किस तरह बनाएंगे, JNU जैसी एकता, जो अब मैं यहाँ पे सबसे बड़ा सलाम आपके प्रोफेसर्स और टीचर्स को भी देना चाहूँगी जिन्होंने एकजुट होकर जवाब दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार। इट्स नॉट ईजी, नॉट इन द डेज ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट आर पुट ऑन दी टीचिंग फैकल्टी। और आज मैं सोच रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी आपके साथ बातचीत करने के लिए, इफ यू कंपेयर JNU विद HCU, जस्ट कंपेयर द टू, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इतना भी सेंसिटिविटी दिखाया होता उनके फैकल्टी ने जैसे यहाँ की फैकल्टी ने दिखाया, तो रोहित वेमुला का 18 दिसंबर का खत सुना जाता, पढ़ा जाता और एक्शन किया। इट वॉज अ वार्निंग ऑफ हिज डिस्ट्रेस। His stipend had been stopped, he was being humiliated, और आज भी दोपहर से हम बात कर रहे हैं कि आज भी 4 students का आज भी suspension वापस नहीं हुआ। तो this government continues to on its path despite the kind of protests, unique protests that have been carried out across the country, despite not just the marches in Hyderabad, मगर 18 फरवरी को यहाँ पे हुआ, 23 फरवरी को यहाँ पे हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट और मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, मगर ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट रहे। सो दिस इज हैज टू मेक अस थिंक एंड वंडर कि हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज टू पुल द बैटल ऑन, क्योंकि हमारे लिए ये तो बहुत कठिन होने वाला है। दोस्तों बहुत आसान है कि हम जब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, इस्लामिक पाकिस्तान क्या है, तो मैं सबसे पहले श्रीलंका का एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात करके इमीडिएटली एक बाइनरी, जैसे कन्हैया कहते हैं, एक बाइनरी खड़ी हो जाती है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, आई हैड अ वेरी रोमांटिक नोशन अबाउट श्रीलंका व्हेन आई वेंट देयर 1997, एज ऑल सेक्युलर प्रोग्रेसिव्स डू, के बुद्धिज्म हैज बीन ड्रिवन आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। आप श्रीलंका चले जाइए और एक बात पक्की हो जाती है कि धर्म और राष्ट्र को जब आप कंबाइन करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म कोई भी मजहब हो, तो आप में मेजोरिटेरियन फासिस्ट टेंडेंसीज पैदा हो जाती है, जैसे श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में लिखा गया, 1951 में श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हमारे संविधान हमें 22 जबानों का ऑफिशियल जबान देती है, वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 700 प्लस डायलेक्ट्स, बट एटलीस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 22, वी आर यूनिक, इतनी डाइवर्सिटी इतनी प्लूरलिटी कहीं नहीं है। मगर श्रीलंका में सिर्फ तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए सिवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और तब से आज तक सरकार ने कहा ओनली सिन्हाला विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड बाय डूइंग दैट दे इमीडिएटली सोड द सीड्स ऑफ एन एलियनेशन अमंग द तमिल, बिकॉज नेशन हुड व्हेन इट इज कॉम्पोजिट, नेशन व्हेन यू बिल्ड कॉम्पोजिटली यू एक्चुअली हैव टू बी फॉर एवरीबॉडी, एंड इफ यू हैव टू सेंड अ सिग्नल
that you are for everybody and this country and this constitution stands for everybody, jaise hamara samvidhan khada rehta hai, to we the people in our preamble stands for every Indian, poor, backward, speaking any language of any faith, whatever gender and whatever class and caste. 18-19 mahine ke liye our founding fathers and mothers debated what kind of किस तरह की हमें ढांचा चाहिए, किस तरह का ढांचा चाहिए. इसके बीच में बंटवारा होता है, विभाजन होता है, फिर भी इसके बावजूद प्रैग्मैटिक और प्रिंसिपल डिसीजन ये रहता है कि दिस कंट्री विल रिमेन अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इट इज अ डिसीजन ऑफ द अटमोस्ट प्रैग्मैटिज्म एंड द अटमोस्ट प्रिंसिपल. वेरी ऑफन डिसीजंस इन पॉलिटिक्स आर नॉट जस्ट प्रिंसिपल्ड वन, दे आर आल्सो प्रैग्मैटिक. And this is a pragmatic and principled decision, क्योंकि अगर आपको हर भारतवासी को यह सपना दिखाना है कि आपके लिए भी देश उतना ही अहम है जितने एक महल में रहने वाले या राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रेसिडेंट के लिए है, तो आपको कहना ही पड़ेगा कि इसमें बराबरी और समानता जातिवाद हो ही नहीं सकता. और इसीलिए गांधी और अम्बेडकर के बीच में बहुत विवाद थे, मगर जब संविधान लिखने की बात आई और गांधी को पूछा गया, और बड़े माहिर पॉलिटिशियन भी थे महात्मा, उनको पूछा गया कि कौन लिख सकता है ये संविधान, तो उन्हें बोला कि ये संविधान सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिख सकते हैं. क्योंकि गैर बराबरी का अनुभव, गैर बराबरी का निजी अनुभव जिस तरह बाबा साहेब ने पाया और देखा अपनी जिंदगी में अपने लोगों का, वो भी अंदाजा लगा सकते थे कि अगर हमें आगे चल के इस तरह की व्यवस्था बनानी है जहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी होगी, तो हमें जाति, धर्म और ये सब दूर रख के हमें समानता और गैर बराबरी हैज टू बी द फंडामेंटल्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट. और अगर आज जो हमला हो रहा है तो सीधा असर संविधान पे. संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए जो लोग हैं वो ये संविधान में नहीं मानते, उन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा और बराबर नहीं लिया. अगर आप आजादी के पहले की अगर आप इतिहास देख लें, और बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग विभाजन, मोहम्मद अली जिना पार्टीशन, उनकी जो भी जिम्मेदारी थी विभाजन और पार्टीशन के लिए, हम दूर नहीं कर रहे, मगर अगर आपको सही ढंग से विभाजन और बंटवारे का इतिहास समझना है, और आप तो समझ चुके हैं, तो ये सवाल हमें करना पड़ेगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन पहले अटेम्प्ट किया गया ब्रिटिश सरकार में, तब हर हिंदू मुसलमान सड़क पे कैसे आया बंगाल में और कहा ये विभाजन नहीं हो सकता. तो क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव राजनीति में हुआ ना 1905 और 1934 और 40 के बीच में? पार्टीशन रेजोल्यूशन तो 1940 में पास होता है. तो क्या बदलाव हुआ ये 35 साल में? अचानक के बाद उठा नहीं, बदलाव ये आया कि राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में अचानक ये लोग सपने देखने लगे, न सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तान के मगर एक हिंदू राष्ट्र के भी. और इनके लिए संगठन जो पैदा हुए, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक. और आज भी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर वेबसाइट पे जाएंगे, और गोलवलकर की उन्होंने वी और आ नेशनल डिफाइन हटा दी है, मगर बंच ऑफ थॉट्स मौजूद है. और बंच ऑफ थॉट्स पे आज भी आप देख सकते हैं दैट द थ्री इंटरनल एनिमीज अकॉर्डिंग टू देम ऑफ द हिंदू नेशन आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट. तो JNU पे हमला, रोहित वेमुला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, FTI के स्टूडेंट्स के ऊपर, अम्बेडकर पेरियार सर्किल, इसीलिए आप उसी सोच विचारधारा के ऊपर हमला कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, जो आपका मुकाबला कर सकता है. The ideologies that can challenge you are those of composite nationhood, and that those ideologies are deeply rooted in the Indian soil. They are not foreign ideologies. कोई भी अगर कहे कि यहाँ का धर्मनिरपेक्षता, यहाँ की धर्मनिरपेक्षता बाहर से आई हुई है, ये झूठ है. कई ना कई सदियों से यहाँ पे नेगोसिएशन चल रहा है, झगड़ा होता था, मगर एक नेगोशिएशन हो चुका है जहां पे अलग अलग जबान, मजहब और धर्म के लोग अलग अलग राजा विचारधारा के नीचे रह रहे हैं. और जैसे कि रोमिला जी कहती हैं
कि श्रमण और भ्रमण में एक तरह की पैरेलल नैरेटिव सदियों से ये पूरे धरती पे है, तो ये नैरेटिव आप छीन नहीं सकते। आज हम सब लोग श्रमण हैं, ब्राह्मण कौन है आप भी जानते हैं। जो भी व्यवस्था को सवाल करते हैं, जो भी व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं जातिवाद के तहत, कोई भी गैर बराबरी के तहत, वो एक श्रमण श्रमण एक पूरा एक श्रमण टेंडेंसी है हमारे पूरे सोच विचारधारा में जो शुरू से थी। अगर हमारे पाठ्यपुस्तक ठीक से हमारा खुद का इतिहास हमारे नौजवानों के सामने नहीं रख रहे हैं, तो उसी को हमें कहीं ना कहीं पॉपुलर हिस्ट्री को तरीके से लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। गांधी और अंबेडकर के विवाद के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मौका भी नहीं है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर गांधी ने कई बात उनके दिमाग में साफ नहीं उठे, जातिवाद के बारे में कई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनपे, टेम्पल एंट्री को लेकर हम भी उनके साथ बहुत विवादित सोच करते हैं, मगर जहाँ पे कॉम्पोजिट नेशनों की बात थी, पर्सनली अ बिलीवर ही वॉज अगेंस्ट रिलीजन बेस्ड नेशन, ही वॉज अ अजीब और गरीब आदमी थे वो, और वो मानते थे कि अगर ये देश को साथ एक रखना है तो कॉम्पोजिट नेशनहुड ही ये देश को साथ रख सकता है। और हमारे महाराष्ट्र में जहाँ से मैं आती हूँ, बार बार ये कहा जाता है महाराष्ट्र में कि गांधी जी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने 55 करोड़ दे दिए पाकिस्तान, सरासर झूठ झूठ। गांधी जी के ऊपर 5 हमले हुए, सबसे पहला हमला हुआ 34 में, देयर वाज नो व्हिफ ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम इन द नैरेटिव। क्यों हमले हुए? क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि सामान्य सिटीजन्स को अपने हक मिलने चाहिए, और न सिर्फ गांधी मगर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें लेफ्ट शामिल था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल था, वो ये कह रही पहली बार 34 के बाद फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन पास होता है। उसके पहले बात इतनी साफ नहीं थी कि किस तरह की व्यवस्था हमें चाहिए। तो अगर इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो वो लोग जो सदियों से एक कंट्रोल रख चुके हैं आर्थिक और पोलिटिकल, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। और इसीलिए ये 5 हमले के बाद उनको छठवा भी करना पड़ा, और ये 6 हमले में नाथुराम कोर्ट से 3 में शामिल थे। तो हमको गांधी की हत्या भी इस तरह समझनी पड़ेगी, हम उनके विवादित रहते हुए भी उनकी हत्या को समझनी पड़ेगी कि वाई वॉज ही सच अ थ्रेट टू दोज हु वर अ प्रोजेक्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट हैव टू अग्री विद हिम ऑन एवरी पॉइंट। और जहाँ तक आगे की बात है, अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर के वो सवाल, वो जो उनके ऑब्जर्वेशन थे 26 नवंबर को कि हम अपने आप को राजनीतिक आज़ादी देने जा रहे हैं मगर हम बहुत सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है हमारी समाज में, तो हम ये आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लोगों ने जो स्पष्टता से, एकदम साधारण स्पष्टता से जो आंदोलन खड़ा किया है, और JNU जो एक राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है, इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि हमारी बहन ऋचा के साथ भी अत्याचार हो रहा है इलाहाबाद में, और माफ़ कीजिए अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाएंगे, मैं अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी कहने से भी मुझे शक्ति लगी, किस तरह का माहौल वो यूनिवर्सिटी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो हम आसान से टाइपकास्ट कर दिए हैं अपने मेंटल में, मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़कियां अगर बाहर 10 बजे के बाद अगर कैंपस से बाहर भी निकलती है तो उनको परमिशन में नहीं दिया जाता। तो द प्रॉब्लम ऑफ आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज द प्रॉब्लम ऑफ आर कैंपसेस अक्रॉस द कंट्री। यहाँ तक हम ये बात कैसे लेके जाएं? और ये इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर ये सरकार करना चाह रही है और कर चुकी भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को आप देख लें, अलग अलग, कल ही हमारे दोस्त अमित सिंह गुप्ता ने रेजिग्नेशन दे दिया IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। वो अपने एजेंडा से फिलहाल पीछे नहीं हट रहे हैं, ढीठ है वो लोग, बड़े बेशरम लोग हैं, ढीठ हैं, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो इनको किस तरह से हम डिसलॉज पॉइंट बाय पॉइंट, इंच बाय इंच, ब्रिक बाय ब्रिक कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली पोलिटिकल इलेक्शन आ जाता है, मगर पुलिस, मैं मानती हूँ कि आप लोगों का रोल जो आपने इतना क्रिएटिवली अदा किया है वो इलेक्शन के वक्त तो होगा ही, मगर साथ साथ एक इस तरह है कि किस तरह का एक क्रिएटिव ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, जो ये मैसेज को भारत भर में ले जाए।
पॉपुलराइज करें, पॉपुलर नैरेटिव्स को, गोविंद पंस कॉम्रेड गोविंद पंसारी को गोली मारी दी जाती है, नारायण धाबोलकर को मारा जाता है, कलबुर्गी को मारा जाता है, क्योंकि इन्होंने शिवाजी, गोविंद पंसारी ने शिवाजी का नैरेटिव आज नहीं 25 सालों से महाराष्ट्र के गांव गांव में उन्होंने एक चैलेंज खड़ा कर दिया शिवसेना को, क्योंकि जो शिवसेना ये कहना चाहती थी कि हिंदुत्व का राजा है, पंसारे ने पॉपुलर हिस्ट्री के तहत दिखा दिया। और हम लोग ने सब पढ़ी शिवाजी कौन होता, अंग्रेजी में तो अब छपी है, दिल्ली में अंग्रेजी में पंसारे ने कम से कम 25 साल पहले छपा, 4 लाख के ऊपर बिकी है वो किताब, क्योंकि वो साफ एक था कि शिवाजी को आप एक हिंदू राजा नहीं टिपिफाई कर सकते। वो एक रियासतों का राजा था, छोटे छोटे होल्डिंग्स का राजा था, अगर औरंगजेब के साथ उनको कोई भी विवाद था तो इस बात पे था कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गए थे, इट वाज एक्सप्लॉइटेड। और 3 खत उन्होंने औरंगजेब को बड़े अदब से लिखे कि आप प्लीज ये टैक्स कम करें, हमें नहीं परवाह था, कम करें। जब उन्होंने नहीं सुना तो वो अलग हो गए, और जैसे वो अलग हो गए काफी छोटे छोटे अलग अलग राज भी अलग हो गए। तो आपको चूंकि आज की पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम को बटा करके खून खराबा करके चलानी है, इसीलिए आपको औरंगजेब और शिवाजी को कम्युनल बना करके करना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ हिस्ट्री, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ हिस्ट्री इज अ फैसिस्ट प्रोजेक्ट, इट हैज ऑलवेज बीन अ फैसिस्ट प्रोजेक्ट। तो हमें ये, हम अगर एक ऑल इंडिया क्रिएटिव लेवल पे लोगों के बीच में नैरेटिव्स, इतने सारे नैरेटिव्स हैं, बीच में मैं आपके जेएनटीया को वापस एक अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो नेशनलिज्म पे क्लासेस चलाना शुरू करे, हमने एक एक आपके वीडियो सुने हैं, बहुत ही मजेदार है। वही आप वीडियो लेके अगर बाकी स्टूडेंट्स के पास जा सकते हैं तो उसमें कितने हमने सुने, हमने सब प्रोफेसर्स को मैं कोट कर सकती हूँ, मगर उन्होंने जिस तरह का लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के बाद में, कास्ट और नेशन के बाद में, द्रविडियन नेशनलिज्म के बाद में, आपके पास तो यहाँ पे एक रिच, एक पूरी एकेडमिक वेल्थ है जी, मगर ये हमें पॉपुलराइज करके पॉपुलर मूवमेंट के तहत भारतवासियों के पास हम कैसे लेके जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। मुजफ्फरनगर में 2013 में जब दंगा भड़काया गया तो पता नहीं मुझे, कम से कम 10 बच्चे, जस्ट 10 स्टूडेंट्स तो JNU के वहीं के हैं जिनको मैं जानती हूँ, सबको पता है कि WhatsApp played a horrible role, which means that technology is also being used by casteist communal fascist groups. तो हम अपने messages, without the resources that the RSS has, huge resources, पता नहीं कौन इतनी पूंजीवादी उनको इतना पैसा देता है, मगर उनके पास सबसे बड़ा फॉरेन फंडेड NGO तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो पॉलिटिकल पार्टी है, मगर बहुत सारे इश्यूज हैं जो आज भी मीडिया लेकर भुलाई जा रही है और फॉलो अप नहीं कर रही है। तो एकलाक, मोहम्मद एकलाक के केस में क्या हो रहा है, फुगाना के केस में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या नहीं कर रही है, हरियाणा के गवर्नमेंट है, उन्होंने जाटों के आंदोलन के साथ क्या किया, तमाशा देश देख चुका है, मगर मीडिया आज अपना रोल अदा नहीं कर रही है जिस तरह होना चाहिए। तो इसीलिए एट द लेवल ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एट द लेवल ऑफ बिल्डिंग एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। पता नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन के बीच, हमारे खुद के इंडिविजुअल संकटों के बीच, क्योंकि हम भी बड़े संकट में फंसे हुए हैं, हमें ये वक्त निकाल करके इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा कि हम ये आंदोलन को आगे किस तरह मजबूती से आगे ले जाएं। मैं बेल का जो जजमेंट आया उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज गांगुली ने आज स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह की बातें वो जजमेंट में लिखी गई वो बिल्कुल एक पुलिस को एक छूट देने वाली बात थी, तो वो आप पढ़ लेंगे। और दूसरे जो साथी जो अभी भी अंदर है उनके साथ में हम कैसे खड़े रह सके, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि ये सरकार के पास और कोई एजेंडा नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है देश को देने के लिए,
इसीलिए आगे भी और भी संकट पैदा करने वाली है सरकार. तो हाउ डू वी मीट ऑल दीज चैलेंजेस, हाउ आर वी रेडी फॉर द लॉन्ग हॉल, ये सब सवाल और प्रश्न हमारे सामने हैं. ये मौका नहीं है गुजरात के केसेस के बारे में ज्यादा बोलने का, फिर भी मैं आपको दो तीन चीज बोलना चाहती हूँ. एक बहुत अजीब तमाशा गए 10 दिन में ये भी चलाया गया डेविड हेडली को लेकर और ईश्वर जहां को लेकर. बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई भी गई है, उनके वकील इशरत के वकील ने बोली भी है, तो मैं बोलूंगी नहीं. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप थोड़ा सा खोजे, मैं भी खोज रही हूं कि अडानी के बोर्ड पे, गौतम अडानी के कंपनी के बोर्ड पे कितने गुजरात के पुलिस ऑफिसर्स, कितने आईएएस ऑफिसर्स, जैसे कि जीके पिल्लई, जैसे कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद पीसी पांडे, सबको अडानी ने नौकरियां दी. इससे हम क्या समझे? जब उनके खिलाफ अभी भी जकिया जाफरी का केस पेंडिंग है, जहां पे पीसी पांडे अक्यूज नंबर 28 है जकिया जाफरी के कंप्लेंट में, ही इज अक्यूज ऑफ ग्रोस कंप्लिसिटी इन दैट कंप्लेंट ऑफ जकिया जाफरी, एंड इन दिस वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट अलायंस, गौतम अडानी एम्प्लॉयज ऑल दोज ऑफिसर्स हु आर और मेनी ऑफ द ऑफिसर्स हु आर विद द गुजरात. व्हाट डज दिस मीन? I was shocked to find that P.C. Pandey, who sat on the Gujarat massacre between February and May 2002, is on the board of the Gautam Adani. As much as I was shocked to find that G.K. Pillai, who is now talking about Ishrat Jahan in a certain way, is also on the board of Adani. So what are we seeing? We are seeing a complete manipulation of public discourse. मतलब आप किसी को अच्छी नौकरी दिलवा दो और फिर उनसे कुछ भी बुलवा दो. I mean, we are seeing a complete manipulation of public discourse. तो इसलिए मैं एक और चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, और वो नाम मैं नहीं लूंगी. दो ऐसे चैनल हमारे भीतर हैं जिन्होंने इतना डिसर्विस किया टेलीविजन चैनल्स ने, और आप लोगों ने वो चैनल को बॉयकॉट किया. हमने वही चैनल को कम से कम 4 साल से बॉयकॉट किया हुआ, वही चैनल. फरवरी 2012 को जकिया जाफरी केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर आर के राघवन अपना फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर दी, उसमें क्लीन चिट दिया गया पूरे एक्यूज्ड को. उस वक्त नेशनल चैलेंज पे मैं बैठी थी, नेशनल चैनल पे बैठी थी, एक सो कॉल पैनल डिस्कशन चल रहा था इन वन ऑफ द चैनल्स दैट यू हैव बॉयकॉटेड, और हमें गाली पड़ रही थी. मीनाक्षी लेखी तो बहुत अच्छा गाली देती, हमें दे रही थी. मैंने कुछ नहीं कहा. जिस वक्त उन्होंने जकिया अप्पा को गंदी बात कही कि वो झूठी औरत है, तो मैंने माइक निकाल करके फेंक के निकल गई. उसी को लेकर पूरे संघियों ने एक बात चलाई कि तीसा घबरा के भाग नहीं जाए. तो फिर दो तीन हमारे जो अच्छे इंटेलेक्चुअल दोस्त, उन्होंने पूरा उसका डीकंस्ट्रक्शन करके वही खप पंचायत चैनल को जवाब दे दिया. मैं उसको चैनल नहीं कहती, मैं उनको खप पंचायत. They do not believe in debate. They do not believe in hearing your and my point of view. They believe in actually targeting through the channel to for so-called raising of the TRP. I would like to ask them now, after Kanhaiya Kumar's electrifying speech, whose TRP got raised? आप लोगों के आंदोलन ने, आप लोगों की पूरी एकजुट रहने का एक पूरा संघर्ष ने ये मीडिया माध्यमों को भी शर्मिंदा कर दिया. मतलब इस स्पेस को हम कैसे बनाए रखें मीडिया में और डीपन करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. तो एक तो हमें इमीडिएट बात सोचनी पड़ेगी. रोहित वेमुला की माँ और भाई आज गुंटूर पहुंच गए, हमारी उनसे बात हुई, बहुत थकी हुई है राधिका वेमुला. जब एक घर इंसान पहुंच जाता है तो कितना भी एक वो जो यूफोरिया होता है मूवमेंट का, तो आपको डेली लाइफ फेस करना पड़ता है. फिर 8 मार्च को वो आ जाएगी हैदराबाद विमेंस डे के लिए. आज भी वो 4 बच्चों को सस्पेंशन से यानी रिवोक नहीं हुआ. आज भी JNU में केसेस जो भी है कन्हैया के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, जल्दी से ये सरकार नहीं हटाने वाली है. तो लंबे हॉल के लिए, फॉर द लॉन्ग हॉल, हाउ डू वी कोप एंड हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज, दैट रिमेन्स अ कलेक्टिव चैलेंज.
But this is a moment of victory, this is a moment of celebration, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी संघर्ष से जवाब निकलने वाला है. हम लोग नहीं दे पाएंगे, आप हमें दे पाएंगे. हम लोग आपको जवाब नहीं दे पाए, आप हमें दे पाएंगे. हमारे जैसे लोग लड़ते गए, आपके टीचर्स जैसे लोग एकजुट रहकर लड़ते गए, मगर क्रिएटिव सोल्यूशन आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, हमको साथ में मिलकर. 2002 और 2016 के बीच साथ में मिलके 570 चश्मदीद गवाहों के साहस की वजह से हमने 126 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलवाई. नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस. सीबीआई कह रहा है कि हम भी देशद्रोही हैं, हमने पैसा दंगा पीड़ितों का खा लिया, हमने गलत एफिडेविट दर्जा किए. तो हम तो कहते हैं हर पब्लिक मीटिंग में कि आपने हमें हमाम में नंगा करने की कोशिश की, मगर हमारे समर्थक जो है, ये देश की जनता जो है, सच भी जानती है और झूठ भी जानती है. अब कर लो जो करना है, जो भी करना है कर लो. आप जो भी कर रहे हो आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप सकिया जाफरी के केस से आज भी डरते हो, क्योंकि जिस तरह के सबूत हमने इकट्ठा किए हैं और आज हाईकोर्ट में है, गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है हर हफ्ते, दो हफ्ते, कभी तीन हफ्ते में, वो सबूत कहीं जाने वाले नहीं है. कोर्ट फैसला क्या करेगी वो कोर्ट जाने, मगर सबूत ऐतिहासिक स्तर पे दर्ज किए गए हैं. वो सबूत, दीज आर नॉट गोइंग टू वैनिश इन टू थिन एयर, दे आर देयर फॉर हिस्ट्री टू जज, दे आर देयर फॉर हिस्ट्री टू सी. और कई चीज ऐसे होते हैं, मैं कॉलेज के जमाने में कोस्टा ग्रवास की एक फिल्म कम से कम मैंने 25 बार देखी, जेड. और मैं जकिया जाफरी के केस फाइल करने के बाद कम से कम 5 बार देख चुकी हूं, क्योंकि वो फिल्म में मैंने एक चीज देखी कि रास्ता आसानी से कभी नहीं निकलता, मगर जब निकल जाता है तो अजीब और गरीब तरीके से निकल जाता है. एक या दो आदमी आपको मिल जाए जो बस अपने जमीर से काम ले, जो संविधान में मानने वाले हो, जो कानून में मानने वाले हो, और पूरी व्यवस्था खिलाफ क्यों ना हो, उनमें रास्ता निकल जाता है. और मैं आज भी मानती हूँ कि जातिया जाति केस में वो रास्ता निकलेगा, निकलेगा, क्योंकि सबूत बड़े ठोस हैं. सबूत इतने ठोस हैं कि मुझे लगता है कि व्यवस्था उससे डरती है. जिनके हाथ में राजनीतिक पावर है वो डरता है. आखिरी बात, दो तीन बार उसके बाद सवाल जवाब हो, डिस्कशन हो, वो ज्यादा अच्छा होगा. कि कल हंसल मेहता जी आपके पास थे, सोमवार को सोनी सोरी आ रही है. जिस तरह छत्तीसगढ़ में, जिस तरह छत्तीसगढ़ में एकजुट होकर प्रशासन और पुलिस ने वहां से पत्रकार और वकीलों को भगाया है, मैं मानती हूँ ये लोकशाही और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है. तो हमें हमारे दलित पीड़ितों के लिए भी बात करनी पड़ेगी, हमारे पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करेगी, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए बात करनी पड़ेगी, और ये सब संघर्षों को एक साथ मिलके नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाना पड़ेगा. जो मार्केट सॉल्यूशंस एजुकेशन में ढूंढते हैं, जो मार्केट सॉल्यूशंस हेल्थ में ढूंढते, तो ये सब संघर्ष अगर साथ हो जाए तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये सरकार ज्यादा दिन टिक सकती है, विचारधारा भी नहीं टिक सकती है. 31% और 69% से बहुत सारी बात हो गई, मगर जब 69% बिखरा रहता है, जब 69% एकजुट नहीं होता कोई भी वजह से, तो ये 69% की गैर जिम्मेदारी है, और ये गैर जिम्मेदारी हमको वापस नहीं दोहरानी है. ये हम सब इसमें कुछ रोल प्ले करें. इतना ही रिक्वेस्ट करके मैं मेरा भाषण प्रसंग करती हूँ. लाल सलामत, लाल जय.